स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं छाता पहाड़ बाबा मंदिर और साथ ही साथ वहां दर्शन करेंगे दुर्गेश्वरी मैया का, जो कि दोनों ही एक ही परिसर में स्थित है। चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो में रहिए, आपको दर्शन कराते हैं छाता पहाड़ बाबा का और दुर्गेश्वरी मैया का, जो कि करतला के भव्य और काफी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में रहिए दोस्तों, चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए छात्रपाठ बाबा की कृपा से पानी के लिए पाइप बिछाई जा रही है। तो हम जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी के पास, तो गाड़ी से जाएंगे मंदिर। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए। हम लोग अभी कॉलोनी से निकल रहे हैं और पास ही में है कॉलोनी से, हमारे राजस्व कॉलोनी से मात्र 500 या 600 मीटर की दूरी पर है। तो मेन रोड में हम लोग पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं। तो दोस्तों मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये देखिए मंदिर पहुंच चुके हैं लगभग। तो देखिए दोस्तों, यह है करतला का छातापाठ मंदिर और दुर्गेश्वरी मैया का मंदिर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं छातापाठ बाबा मंदिर और दुर्गेश्वरी मंदिर, तो दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी और हम लोग भी करेंगे, तो वीडियो में बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम छातापाठ बाबा और दुर्गेश्वरी मैया की दर्शन हेतु प्रवेश द्वार के पास अभी खड़े हैं और आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार में ही बहुत ही सुंदर तरीके से देवी देवताओं का चित्र है और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं प्रवेश द्वार से। तो दोस्तों ये है दुर्गेश्वरी मैया का मंदिर और ये है पूरा प्रांगण। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले छातापाठ बाबा का दर्शन करेंगे। यह है छातापाठ बाबा का मंदिर। तो चलिए छातापाठ बाबा का दर्शन करते हैं दोस्तों। छातापाठ बाबा का दर्शन करने से पहले और पूजा करने से पहले आप लोगों को इसके सामने ही एक पवित्र जल कुंड मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग आएंगे तो पहले इस पवित्र जल कुंड से जल का छिड़काव कर लेंगे या फिर हाथ पांव धो लेंगे, इसके बाद छातापाठ बाबा का पूजा और दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जल का छिड़काव कर लेते हैं। तो दोस्तों यह है करतला का छातापाठ बाबा मंदिर, जय छातापाठ बाबा लिखा हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर की लोकप्रियता करतला और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छातापाठ बाबा की महिमा अपरंपार है, देख सकते हैं आप लोग। बाबा का आशीर्वाद लेने हम लोग आए हैं, जब भी आते हैं, जब भी हमें समय मिलता है तो हम लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। एक बार मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। जय छातापाठ बाबा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि छातापाठ बाबा ग्राम करतला और इसके आसपास के क्षेत्रों का पालनहार है और बाहरी दुष्प्रभाव से बाबा हमेशा इस क्षेत्र का रक्षा करते हैं। तो जब भी आप करतला आएंगे तो छातापाठ बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लेना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों हमने तो बाबा का पूजा कर दर्शन कर आशीर्वाद ले लिया है और हम आपको इस मंदिर परिसर का और दिखाते हैं क्या क्या है और यहाँ विराजमान प्रमुख देवी देवताओं के बारे में और थोड़ा बहुत अपने स्तर पर दिखाएंगे। तो बन रही वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों ये है मंदिर का प्रांगण, देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ से अहाता से घिरा हुआ है ये देखिए। तो दोस्तों एक सप्ताह बाद नवरात्रि शुरू होने वाला है, उससे पहले हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इस मंदिर के बारे में, इसलिए हम लोग नवरात्रि से पहले ही आ गए हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्रि में तो आएंगे ही, तो नवरात्रि में इस मंदिर को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया जाता है दोस्तों, और 9 दिनों तक कीर्तन भजन किया जाता है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। तो यह है यहाँ के प्रमुख मंदिर दुर्गेश्वरी मंदिर, और ये बगल में ही शिव मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर विराजे महादेव जी शिव जी का दर्शन कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। ये देखिए हमारे महादेव जी, आप लोग भी आएंगे तो एक बार ज़रूर इस मंदिर परिसर में विराजे शिव जी का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे दोस्तों। तो हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं बढ़िया से शिव जी का। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों हम लोगों ने अब शिव जी का बढ़िया से पूजा कर आशीर्वाद ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अभी जा रहे हैं हम लोग दुर्गा माँ मंदिर, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने। ये सीढ़ियाँ हैं तो स्पर्श करते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये है करतला में विराजे माँ भगवती, माँ दुर्गा, जो कि पूरे विश्व की जगत जननी है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ आने से एक प्रकार से हमें बहुत आत्मीय शांति मिलती है, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जय दुर्गे मैया। तो हम लोगों ने माँ दुर्गा का पूजा कर आशीर्वाद ले लिया है दोस्तों। आप लोग भी आएंगे एक बार करतला तो ज़रूर यहाँ विराजे माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना ना भूलें। दोस्तों दुर्गेश्वरी माँ मंदिर करतला का प्रमुख मंदिर है और आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुगण आते रहते हैं। तो चलिए इस परिसर में और क्या क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये जो आप खपरा का घर देख रहे हैं, इसके अंदर नवरात्रि के समय ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है और आप अपना मनोकामना ज्योति कलश यहाँ आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी प्रांगण में विराजमान शनिदेव महाराज जी का दर्शन हम लोग कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं अच्छे से। जय शनिदेव महाराज। तो दोस्तों, तो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी देवी देवताओं का यहाँ पर विराजे दर्शन कर लिया है। और क्या क्या है थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको। तो जाते जाते एक बार और मैं पूरा फुटेज दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा कैमरा घुमा देता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों अब हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर आए थे, उसी प्रवेश द्वार से अब बाहर जा रहे हैं, गेट से निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने छाताबाड़ बाबा और दुर्गेश्वरी मैया का दर्शन करके आशीर्वाद ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये है उर्गा हाटी रोड, और इधर राइट साइड में भैंसमा निकलती है सीधा रोड उर्गा, और इधर हमारा करतला है 1 किलोमीटर में। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर निकलेंगे। तो चलिए निकल रहे हैं अभी दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर से दर्शन करने के बाद घर पहुंच चुके हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों तक मेरा वीडियो जो है आसानी से पहुंचता रहे। तो बस सभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय माता दी, जय छाता पाट बाबा।